नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु जय जगन्नाथ साई श्रद्धा एस्ट्रोलॉजी नूतन अध्याय ज्योतिर्विद पंडित अजित कुमार दास बुलुना स्वागत जनुच्छे। दर्शक बंधु आज कार्यक्रम आम आलोचना करने एक सुंदर विषय वस्तु से विषय वस्तुर नाम हूँ कौन ना भगवान श्रीकृष्ण कहते भूल दिगरे करतु ना भोजन कम आयुर होता है मृत्यु। दर्शक बंधु आम तो कार्यक्रम निश्चित प्रकार आरंभ करवा कार्यक्रम आरंभ करने पूर्व जो मैंने आम वीडियो को देखुंत वीडियो भल लगला ताहले लाइक टे करिवे एवं अन्य मान को नॉलेज में आम वीडियो को शेयर करिवे। जदि आपण माने एपर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर साइट रे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई देबे कारण एही ज्योतिष भित्तिक वास्तु भित्तिक एवं आध्यात्मिक वीडियो जेतेबेले आमे आम चैनल अपलोड करिवु दर्शक बंधु सर्वप्रथमे आपण देखि पारिबे। दर्शक बंधु वर्तमान समय एवं परिस्थिति संपूर्ण रूपे बदली जाइछे। समस्त व्यक्ति समय अनुसार निजक मध्य परिवर्तन करि सारिछन्ते। प्रायतः व्यक्ति निज संस्कृति को भूली जाउछन्ते। एहार प्रभाव आम जीवन रे मध्य पड़ुछे। आग काल रे लोक माने भोजन करिबा समय रे किछि नियम पालन करुथिले जहाद्वारा से माने सर्वदा सुखी रहुथिले किंतु वर्तमान संपूर्ण विपरीत होउछि जहाद्वारा लोक माने अनेक रोग व्याधिर शिकार होउछन्ति। तेबे वास्तुशास्त्र अनुसार भोजन करिबा समय रे केते गुडीय नियमर पालन करिबाकु उल्लेखनीय रहिछि एवं सेही नियम को वैज्ञानिक दृष्टिकोण रु मध्य सठिक बोली विवेचना करा जाइछि। तेबे आज आम आसतु से नियम गुड़िक संबंध में कहबु तेबे आसतु यही संबंध में विस्तार रूपे जानिबा। दर्शक बंधु प्रथम कथाटी हेला पूर्व एवं उत्तर दिग भोजन करिबा निमते सर्वोत्तम होइथाय। यही दिगरे भोजन करिबा द्वारा सकारात्मक ऊर्जा सृष्टि होइथाय। यहा द्वारा माता लक्ष्मी को कृपा दृष्टि लाभ होइथाय। यहा सहित जश एवं प्रतिष्ठा लाभ होइथाय। जेउ व्यक्ति को माता पिता जीवित अछंती सेमाने केबे भी दक्षिण दिगरे भोजन करिबा उचित नुहे बरं सेमाने सर्वदा पश्चिम दिगरे भोजन करिबा सर्वोत्तम होइथाय। दर्शक बंधु सेहिबळी दि नंबर कथा कोन रहुचे ना भंगा बा असना बासन रे भोजन करिबा अनुचित। एपरि करिबा द्वारा माता लक्ष्मी असंतुष्ट होइथांती तेणु केबे भी एही भूल करंतु नहीं। एहा सहित केबे भी बिछणार बसी खाद्य खाइबा उचित नुहे। एहा द्वारा आम शरीर रे तापमान बढ़ी थाए एवं खाद्य सटिक भाव रे हजम होइ न थाए। सर्वदा चट्टान रे बसी भोजन करिबा उचित। एहा द्वारा आम हजम क्रिया सटिक भाव रे होइ थाए। दर्शक बंधु सेही भली 3 नंबर कथा कोन रहुचे ना केबे भी खाद्य खाइबा परे सेही थाली रे हाथ धुवंतु नहीं। एहा द्वारा माता अन्नपूर्णांक अपमान होइथाय एवं सर्वदा जेतिकि परिमाण रे आवश्यकता सेतिकि परिमाण खाद्य नेबा उचित। एही समस्त नियम मानिबा द्वारा जीवन सुस्थ और सुखमय होइथाय। दर्शक बंधु सेही भली 4 नंबर कथा कोन रहुचे ना केबे भी अन्यर थाली रु भोजन ग्रहण करंतु नहीं। एहा अनुचित अटे। सुदाम मध्य भगवान श्रीकृष्ण थाली रु भोजन ग्रहण करिथिले जहाद्वारा तांकु दारिद्रता भोग करिबाकु पड़िथिला। तेणु सर्वदा निज थाली रे ही भोजन करिबा उचित। दर्शक बंधु सेही भली 5 नंबर कथा कौन रहुचे ना एकादशी दिन भूल रे भी आमिष भोजन करंतु नहीं। जदि दिन मान से ही दिन मांस और मदिरा सेवन करिबा करंतु आपन को बहुत बड़ पाप लागी थाए बा पाप समान होई थाए। तेणु प्रत्येक व्यक्ति एकादशी दिन सात्विक आहार सेवन करंतु। एहा द्वारा आपन को जीवन रे सुख समृद्धि प्रतिष्ठा होई थाए। दर्शक बंधु ये तो थिला छोटिया कार्यक्रम टे पुणी एक नूतन कार्यक्रम रे मु आपन को सहित भेटै से पर्यंत दर्शक बंधु मत विदाई दिंतु। मु रहुछि नमस्कार। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय साईराम जय गुरुदेव।